ऑल राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां, क्लास 11th के लिए सच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है पता है? क्योंकि इससे आपका सीबीएसई बोर्ड से तो क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, आप जेई मेंस, एडवांस, एनडीए किसी भी एग्जाम में चले जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल अगर क्वेश्चन टफ बनाया जाता है तो जरा सोचो कि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो वो कैसे टफ बनाएगा? टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही प्रोसेस है। वो प्रोसेस है कि एक क्वेश्चन में तीन चार चैप्टर इन करवा। जी हां, आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ रहे हैं, अब जैसे आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी पूरा का पूरा, पोलर फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुस जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, लेकिन चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए, बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए अब हम लोग करेंगे क्या। वेल, सबसे पहले आखिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, यही तो सर हम लोग जानना चाहते थे कि सर आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ रही है। जी हाँ, आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने करण अर्जुन से पूछा, मेरे फेवरेट स्टूडेंट, उनको उसको टॉपर बनना है। उसने बोला कि सर हम लोग दो पार्ट पर काम किए थे, नेचर ऑफ रूट, जब डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। गॉट क्लियर? मतलब रियल रूट निकलेगा लेकिन अनइक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर? और ए था डी इक्वल टू जीरो था, इसी दो पर हम काम किया था। मैंने पूछा कि जब d स्मॉलर देन जीरो था तो आपने क्या किया था? तो उसने बोला कि सर इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, आज उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गॉट क्लियर? और सबसे ज्यादा जरूरत पता कब चला? कि अगर x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है और कोई बोलता है x का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें तो हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। पता है, बहुत सिंपल है, दैट इज वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर भेज दो, x इक्वल टू वी विल गेट स्क्वायर रूट बच जाएगा तो प्लस माइनस वन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी ने पूछ दिया कि ठीक है, ये तो आप बता रहे हो कि x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है, x स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा तो मुझे बता दो x का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें सबकी बुद्धि चकरा गई कि सर अब करे तो क्या करे। तो यही से कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट स्टार्ट होना, आयोटा का कंसेप्ट, इमेजिनरी यूनिट का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। गॉट क्लियर? तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इस तरह का इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया था। तब यूलर एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया। वेल, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ओके, शैल्बी, निशांत, अंशुमन, ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल राइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं यहां तक आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं बढ़िया से, देख लीजिए। तो यूलर एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, वो इक्वेशन क्या है? सबसे पहले उन्होंने स्क्वायर रूट माइनस वन को आई से इंडिकेट किया। दिस आई इज कॉल्ड आयोटा, या इसी को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी यूनिट। जी हां, इमेजिनरी यूनिट हो गया, ठीक है। अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू आई का नाम उन्होंने दिया, ठीक है। अब यहीं से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालेंगे। करण अर्जुन ने मेरे से पूछा कि सर इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या करोगे आप? देखो जी, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इस साइड भी मैंने स्क्वायर लगा दिया और आई पर भी स्क्वायर कर दिया,
तो ये होगा माइनस वन और ये होगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बताओ मुझे, माइनस वन हो गया। रिमेंबर रखिएगा, अभी हम लोग इस पर कंसेप्ट मतलब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाएंगे। अभी हम लोग ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। आई स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद आई का पावर क्यूब क्या होगा जी? तो किसी ने दिमाग लगाया कि सर आई का पावर क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू, मैंने लिखा आई, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, ये देखो माइनस वन, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया माइनस वन, और इंटू मैंने लिखा आई, तो दिस विल बी आई क्यूब, ये हमारा आई क्यूब हो गया। तो मैं लिख सकता हूं आई क्यूब कैन बी रिटन एज अ माइनस आई हो गया, यही तो है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब बोला कि सर क्या हम आई का पावर फोर भी निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं आई का पावर फोर। कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ सोचिए सोचिए, यस, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन, तो होगा आई का पावर फोर का वैल्यू वी आर गेटिंग एज अ वन, ठीक है। आई का पावर जो फोर है ना, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए, चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया। इस चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जो मैंने अभी कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आई का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, एकदम रिमेंबर कर लो, बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर कर लो, पूरे जगह गर्दा इसी पे हम लोग मचाने वाले हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट। अब उसके बाद देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, और आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, और आई फोर का वैल्यू होता है वन होता है, ठीक है, वन होता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं पूरा एनसीईआरटी पहले खत्म कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से हम लोग खत्म कर देंगे, थोड़ा टफ लेवल के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का बना लेंगे क्वेश्चन, और फिर आरडी शर्मा का जितने टफ टफ क्वेश्चन है ना, जितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, वो सबको हम लोग बना लेंगे। जी हाँ ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान से देखिए, लेकिन इसको बनाने से पहले एक नोट कर लीजिए या इसी को ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। अगर कभी भी कंसेक्यूटिव पावर आता है, जैसे आई का पावर वन प्लस आई का पावर टू प्लस आई का पावर थ्री प्लस आई का पावर फोर इक्वल टू, मैंने जीरो लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ पता चल रहा है? सोचो सोचो सोचो, ठीक है दिमाग लगाओ। अगर आई का पावर वन मतलब लगातार हुआ, वन टू थ्री फोर, फोर तक अगर जा रहा है और सम के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा ही है। देखो अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा मिल जाए आई का पावर टेन, आई का पावर इलेवन, आई का पावर ट्वेल्व और आई का पावर थर्टीन, बेहिचक आप जीरो लिख दो। अब बोलोगे सर इसको प्रूफ करके हमें दिखाओ ना, देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं पहले इसको साइड कर देता हूं, आप देखो पहले वाला क्या सच में प्रूफ होता है, एकदम होता है जी। चलिए मेरे करण अर्जुन, चलो मैं करण से पूछा कि बड़ा करण आई का वैल्यू कितना, तो उसने बोला आई लिखेंगे। फिर मैंने पूछा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, करण ने बोला सर माइनस वन होता है। आई क्यू का वैल्यू कितना, तो उसने बताया माइनस आई होता है, वेरी गुड, अभी सर ने सिखाया है। और आई का पावर फोर कितना होता है, ये होता है वन होता है, ठीक है। अब आप लोग भी रेडी रहिएगा, मैं आप लोग से भी पूछूंगा, क्लियर। तो देखो जी कैसे अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जरा कैलकुलेशन करें, क्या ये आई और माइनस आई मिलकर क्या कैंसल, कैंसल, ठीक है, और माइनस वन प्लस वन, देखो जी ये कैंसल, नेट आंसर क्या हो गया, जीरो। बहुत कमाल का ट्रिक बता रहा हूं, बहुत समय बचेगा आपका, बड़े बड़े कैलकुलेशन इस पर अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑलराइट चलो जी एक और क्वेश्चन अब देख ले थोड़ा सा, जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 11 आई का पावर 12 और आई का पावर 13 मैंने लिखा, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ये लिखा जा सकता है, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, हालांकि या तो आप बना सकते हो आई का पावर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो या आई का पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से मैं जनरली चाहता हूं कि आई का स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, एक मेथड पे काम करो, हालांकि दोनों मेथड से आएगा आंसर,
बट यू हैव टू अप्लाई ओनली वन मेथड, दैट इज आई का स्क्वायर, ठीक है। और आई का स्क्वायर का पावर मैंने कितना लिखा, 5 लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 5 × 2 वी आर गेटिंग एज 10। अच्छा, अब आई का पावर 11 कैसे हम लोग करने वाले हैं, देखो आई का स्क्वायर लिखा मैंने, यहां पे लिखा 5 × आई का पावर 1 लिखा जा सकता है। देखिए जी, 5 × 2 होगा 10, 10 तो हो गया, और आई का पावर 1 ये हो जाएगा 11, देखो होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, आई का पावर 12 को कैसे लिखेंगे, आई का स्क्वायर और पूरे का पावर हमने लिख दिया 6, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। क्या आई का पावर 13 को लिखा जा सकता है, सबको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो, आई का स्क्वायर ये हो गया 6, लेकिन अभी 6 × 2 अगर आपने किया ना तो दिस इज कमिंग एज अ 12, जब 12 आ गया तो ये होगा आई का पावर 1 मैंने कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो -1 का पावर मैंने लिख दिया 5, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, यहां पे देख लो -1 का पावर 5 लिखा, इनटू मैंने लिखा आई, और यहां भी लिखा -1 का पावर 6, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता -1 और -1 का पावर होता है, मैंने लिखा 6, और यहां भी देख लो -1 का पावर 6 इनटू मैंने लिख दिया आई, ठीक है, इनटू मैंने लिखा आई। अब क्या करोगे, ये हो गया -1, -1 का पावर किया 5 किया तो -1 हो गया, इसको सॉल्व करो ये -i हो गया, क्योंकि नेगेटिव का पावर जब भी ऑड होता है ना तो नेगेटिव आता है, ठीक है, और ये हो जाएगा i। इसको जरा देखो -1 का पावर 6 पॉजिटिव, ठीक है, +1 होगा, और इसे जरा सॉल्व कीजिए, -1 का पावर 6 दैट इज 1, 1 × i, ये हो जाएगा +i हो गया आपका, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कुछ धूम मचा देते हैं, कुछ ढिंका चिक्का, हाँ कैंसिल करते हैं, बिल्कुल इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो सब कट करके 0 हो गया। तो मेरी बात समझ में आई, मैंने जो अभी ट्रिक आपको पढ़ाया था वो ट्रिक क्या है कि अगर आई का पावर रहा और लगातार रहा 4 बार, जैसे 10, 11, 12, 13, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना रख लेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा सभी को। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशांत, काजल, वेरी गुड। चलिए, तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये तो समझ में आ गई होगी। एक मैं आप लोग से पूछता हूं जी, ध्यान दीजिएगा, चलो इसमें से शैल भी आप बताओ, अगर ऐसा रहा आई का पावर 100, आई का पावर 101, आई का पावर 102, आई का पावर 103, आई का पावर यहां पर मैंने रख दिया आई का पावर 50, आई का पावर 51 प्लस आई का पावर 52, आई का पावर 53, आई का पावर 54, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऑल राइट, मैं जिनसे जवाब मांग रहा हूं एक बार आप लोग देखिए जल्दी से, मैं एक मिनट का टाइम लगा देता हूं, हालांकि ये एक मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आप कंसेप्ट सीख गए हैं तो तुरंत बन जाएगा। एक बार जल्दी देखिए, मुझे आंसर बताइए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, ध्यान से देख लीजिए क्या होगा, जल्दी चलिए, टिक टिक टिक, 40 सेकेंड, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, ऑलराइट, 5 सेकेंड, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, वेरी गुड,
सूरज शाह, निशांत, वेरी गुड, डन। देखो बहुत लोग का आंसर आ गया है, मैं बता देता हूं, आप लोग मैच कर लीजिए क्या आंसर आ गया है। कुछ लोग का आंसर जीरो है, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे जी, आप यहां से यहां देखो, क्या मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू जीरो रख सकता हूं? तो बोलोगे हां सर हां। अभी जिनका छूट भी गया ध्यान से देखिए, एकदम ट्रिक बताया, कंसेप्ट भी बताया मैंने कि अगर आई का पावर, ठीक है, लगातार फोर हो, मतलब 100 स्टार्ट हुआ, 100, 101, 102, 103, ठीक है, तो 103 तक मैं क्या लिखूंगा, जीरो। आई का पावर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव फोर होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये आई सम के फॉर्म में होना चाहिए। तो बिना देखे आप वहां पर वैल्यू जीरो रख लो। अब आप बोलोगे कि सर इसके बाद वाला देखो, यहां से यहां तक का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो होगा जी। अच्छा क्या मैं इसको भी, इसको सिर्फ सॉल्व करना होगा, तो उस पोर्शन को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लो। इस पोर्शन के लिए आप क्या करोगे ना, ये हो गया आई का स्क्वायर कर दो और यहां हो गया 27 मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट एज अ माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और पूरे का पावर 27 है, तो नेट आंसर देखो कितना हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर रहता है, ध्यान से देखिए, अगर माइनस वन का पावर वन हुआ तो भी माइनस वन आएगा, माइनस वन का पावर थ्री हुआ तो भी माइनस वन आएगा, माइनस वन का पावर फाइव हुआ तो भी माइनस वन आएगा, ठीक है, ये सारा का सारा माइनस वन आपका आंसर आएगा। तो यहां पर देख रहे हो माइनस वन का पावर 27 आज जो आ रहा है, माइनस वन आएगा आपका, ठीक है, देखते हैं कितने लोग का आंसर आएगा। ऑल राइट, वेरी गुड, माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। आइए कुछ और मजेदार मजेदार क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, आई का पावर 19 प्लस 1 बाई आई और पूरे का पावर 25 और पूरे का मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, मैंने यहां पर लिख दिया जी। अब इसको लेकर के सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ध्यान से देख लीजिए। एक्स, ये जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं इसी पर अभी हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट बता देता हूं, उस कंसेप्ट के बेसिस पर ये भी हम लोग कुछ कुछ काम करेंगे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ऑलराइट, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आई का पावर 19 है ना, वी विल राइट आई स्क्वायर और पूरे का पावर 9, ये हो गया 18, 9 इंटू 2 वी आर गेटिंग एज अ 18, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 18 इंटू आई लिखा गया प्लस, अब क्या होगा 1 बाई आई है, ये पावर 25 है, ये 25 दोनों पर जाएगा, 1 पर भी जाएगा और आई पर भी जाएगा, दोनों पर जाएगा। तो देखो जी 1 का पावर कुछ भी कर दो तो 1 ही होगा, लेकिन आई का पावर 25 अगर किया ना तो आई का पावर यहां हो गया 25 हो गया, ध्यान से देख लीजिए। और इस पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर रहने दो। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 1 पर भी मैंने स्क्वायर लगाया और आई पर भी स्क्वायर लगा दिया, दोनों पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, पूरे का पावर 9 इंटू मैंने लिखा आई प्लस 1 बाई आई का स्क्वायर 25 है, मैं लिखूंगा 12 और यहां लिख सकते हैं आई मैंने किया, और इस पूरे का मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, जरा देखिए होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, माइनस वन का पावर 9 है, माइनस वन का पावर 9 है, ठीक है, माइनस वन का पावर ऑड है, कितना आएगा माइनस वन, और ये हो गया आई, और प्लस लिखेंगे 1 बाई आई का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा माइनस वन और पूरे का 12, माइनस वन का पावर 12 और इंटू मैंने लिखा आई कर दिया, इंटू आई और पूरे का मैंने लिखा होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। चलो जी एक बार फिर से देख लीजिए, इन द प्लेस ऑफ आई स्क्वायर आई केप्ट माइनस वन का पावर 9 इंटू आई था, और 25 को ब्रेक किया आई का स्क्वायर 12 इंटू आई और पूरे का स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है, और आई का माइनस वन का पावर अगर मैं 9 लिखता हूं तो माइनस वन का पावर अगर 9 है तो वी आर गेटिंग माइनस वन, मैंने यहां लिखा माइनस वन इंटू आई था, आई लिखा प्लस माइनस वन का पावर 12 लिख दिया इंटू मैंने लिखा आई पूरे का होल स्क्वायर।
अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस आई प्लस, और यहां देखो माइनस वन का पावर, अगर आप 12 लिख रहे हो ना तो माइनस वन का पावर 12 मतलब इवन नंबर, ये इवन नंबर, वन इंटू आई लिख दिया, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर बचा हुआ है, जी हाँ होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब क्या करोगे, माइनस वन और वन बाई आई बच गया ना, और इस पूरे का होल स्क्वायर बच गया। अब बोलोगे क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें सर, देखिए एक चीज तो सीख करके जाओ कि नीचे में आई नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा, नीचे में आई नहीं होना चाहिए, तो इस आई को हटा दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप यहीं पर रेशनलाइज भी कर सकते हो, ध्यान से देखिए, या यहां पर एलसीएम ले लो ज्यादा बेटर है, आई रहने दो, माइनस आई होगा और प्लस वन होगा, एलसीएम ले लो, पूरे का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया, दिख रहा है, ये लिखा मैंने एलसीएम लेकर के, तो माइनस आई मल्टीप्लाई होगा प्लस वन बाई आई इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या होगा, दोनों पर चला जाएगा, और जब दोनों पर जाएगा तो देखो कैसे होगा, अगर ये दोनों पे जा रहा है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, ए का काम करेगा माइनस आई, ये हो गया माइनस आई, और b का काम करेगा वन बाई, ये लिखूंगा आई का स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर जो है ना ये न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा, दोनों में जाएगा जी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसे लिख लो आई स्क्वायर, पहले तो नेगेटिव का सत्यानाश कर देंगे, नेगेटिव स्वाहा, ठीक है, तो आई स्क्वायर बच गया और ये बचा वन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टू आई हो जाएगा, और आई स्क्वायर है ये, आई स्क्वायर रहने दो। अब आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू, हाँ, माइनस वन, प्लस वन रहने दो, माइनस टू आई बाई आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन हमने रख दिया, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसल, बचा टू आई बाई माइनस वन, ये दोनों कैंसल हो गया, नेट आंसर देखो कितना आ जाएगा, टू आई, ठीक है। नेट आंसर जो भी आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, आइए देखिए आप लोग भी थोड़ा क्रॉस चेक कर लो, यहां आई का पावर 19 प्लस 1 बाई आई पूरे का पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर था, मैंने इसको लिखा आई का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई कर दिया 18 आई हो गया, और दोनों पर 25 चला गया था, देख लेते हैं ध्यान से, देखिए आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है, कहीं एरर होगा तो मुझे बताइएगा आप लोग, क्या क्या, माइनस वन का पावर 9 इंटू आई लिखा, आई का स्क्वायर 12 इंटू मैंने आई लिखा, पूरे पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहां तक सही जा रहा है, क्या करेंगे, माइनस वन होगा इंटू आई प्लस वन बाई माइनस वन का पावर 12 इंटू आई, ठीक है, ये होगा, अच्छा ये माइनस आई होगा, देखो जी ये माइनस आई हो गया, एरर यहां पकड़ाया है, जल्दी जल्दी देखिए आप लोग को पता चल गया होगा कहां गलती हुई है, ठीक है, यहां पर एरर पकड़ना है, ये भी रेक्टिफाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस आई तो ये होगा माइनस आई हो जाएगा, चलो यहां हो गया आई, और पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक बार और मौका मिल गया थोड़ा सा और कैलकुलेशन सीखने का, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है अपनी मिस्टेक से सीखना, अपनी मिस्टेक से एकदम लर्निंग एटीट्यूड रखो, ठीक है, देखो फाइव वन हो गया, नीचे आई लिखा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई स्क्वायर प्लस वन लिखा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है माइनस तो रहेगा ही, और आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, और ये बाई आई रहने दो, पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया जी, ठीक है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन टू बाई आई का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर दोनों पे लगा जाए फोर, आई का स्क्वायर फोर बाई माइनस वन, ठीक है, तो नेट आंसर कितना हो गया, माइनस फोर हो गया, बात समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड मान्या, हाँ रेक्टिफिकेशन आपको आना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए, पता है एक बात अल्बर्ट आइंस्टीन से क्या पूछा गया, सुनिए ध्यान से सुनिए, आपको हिम्मत मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, एक बार जब बड़े बड़े ऑफिसर अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि सर मुझे एक रूम दे दो, एक रूम दे दो,
और एक टेबल दे दो, चेयर दे दो और बहुत सारा कागज दे दो, बहुत सारा कागज। आप सोचो कि क्या किस लिए मांगा होगा बहुत सारा कागज उन्होंने। कुछ लोग से पूछा गया तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि सर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते होंगे इसलिए उनको कागज की जरूरत पड़ती होगी। कुछ लोग दिमाग लगाया कि सर वो लिख लिख करके सॉल्व करते हैं इसलिए उनको कागज की जरूरत पड़ती होगी। कुछ लोग सोचे कि सर एक दिन में इतना कागज वो खत्म कर देते होंगे। लेकिन जब एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि सर आपको इतना कागज क्यों चाहिए, तो पता उसने क्या कहा कि सर मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं ना, मैं कुछ इक्वेशन बनाता हूं तो मेरे से गलतियां बहुत हो जाती है। ओए होए होए, गलतियां बहुत हो जाती है मेरे से, जिससे मेरे पेपर बर्बाद हो जाते हैं। जरा सोचो, जब इतने बड़े जीनियस से गलतियां हो सकती है तो हम और आप इंसान तो कॉमन है। लेकिन दिक्कत गलती में नहीं है, दिक्कत उसे सीखने में है। हमें हम गलती करेंगे लेकिन फटाफट सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, या तो मैं जीतूंगा नहीं तो मैं सीखूंगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत लोगों ने क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अगर कमेंट करके यस बोलिए, यस बोलिए, टाइप कीजिए, मुझे बताइए यस। एवरीवन समझ में आ गया, कमेंट करके मुझे बताइए यस। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए अगला क्वेश्चन, तभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, मान्या, निशांत, अंशुमन, शैलवी, गुड। ठीक है, एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन देख लो। अगर ऐसा हुआ सिग्मा एन इक्वल टू वन, या समेशन लिखो, 13 लिखा गया है जी, और आई का पावर एन प्लस आई का पावर एन प्लस वन। ठीक है, कुछ बेसिक मैं बता देता, इंट्रो बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में इन कर जाएंगे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो कैसे बनाएंगे, देखो जी, अभी आप क्या करो ना, ये समेशन डाल दो सब पर, 13 इस पर भी जाएगा और इस पर भी जा सकता है, ठीक है, दोनों पे चला जाएगा। आई का पावर एन रहने दो और प्लस समेशन एन इक्वल टू वन, यहां 13 रहने दो, या और आई का पावर एन प्लस वन मैंने लिखा। देखो बहुत सिंपल, ये जो समेशन है आई पर भी गया, आई का पावर एन प्लस वन पर भी गया, दोनों पर चला जाएगा ये। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब ऐड करना, ये तो पता है समेशन का मतलब ऐड करना है, लेकिन कहां से कहां तक ऐड करेंगे। देखिए मैं दो कलर का यूज कर रहा हूं, ठीक है, एक कलर आई का पावर वन, सबसे पहले यह वन लिखा, प्लस आई का स्क्वायर, प्लस आई का पावर थ्री, प्लस आई का पावर फोर, डॉट डॉट डॉट। ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा, टिल 13 तक, क्योंकि ऊपर देख लो इट इज गिवन एज अ 13, ठीक है, 13 तक चलेगा। और यहां पे देख लीजिए ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, क्योंकि i का पावर n प्लस वन कह रहा है, तो पहले यहां पर 1 तो पुट करो, जैसे यहां 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वन कितना होगा, 2, मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, मुस्कुराइए, ये 2 से स्टार्ट होगा। पता चल रहा है क्यों 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर 1 है ना, आप यहां n की जगह 1 पुट करो ना, तो 1 प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, प्लस i का पावर क्यूब, फिर जब 2 पुट करोगे तो 3, यहां 4, यहां पर 5, और डॉट डॉट डॉट, जब आप 13 पुट करोगे, जब 13 पुट करोगे कमेंट करके बताओ क्या होगा, हाँ जब 13 लास्ट में पुट करोगे क्या होगा, कमेंट करके बताइए सब, ठीक है, 13 पुट करोगे तो 13 प्लस 1 ये हो जाएगा 14 हो जाएगा जी, तो देखो i का पावर 14 हो गया, जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कितने लोगों का जवाब आ रहा है, निशांत 14, वेरी गुड, चलिए कमेंट करते जाइए, मैं सबके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ूंगा, गलत है सही है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जवाब अपना दीजिए, ठीक है, 14, वेरी गुड सूरज, 14। अब देखो करेंगे क्या है यहां पर, इसमें अब ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था ना, कि अगर कभी भी लगातार मतलब कंसिक्यूटिव 4 पावर मिल जाए, 4 पावर मिल जाए, तो क्या करेंगे अभी हम लोग, देखो 1 से लेकर 4 पावर तक है ना, 1 से लेकर 4 पावर तक देख लो बढ़िया से, तो इसकी वैल्यू पता क्या होगी, 0, अभी पढ़ाया था, तो क्या क्या 0 होगा, 1 2 3 4 तक क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 हो गया, प्लस 4 के बाद काउंट करो,
फाइव सिक्स सेवन एट, एट भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वो भी जीरो हो गया, ठीक है, ट्वेल्व तक जीरो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ट्वेल्व के बाद सिर्फ थर्टीन बच गया, तो थर्टीन को रहने दो, इसको बढ़िया से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये एकदम बाबू टाइप का है, इसको बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देख लो यहां से कहां तक जाएंगे जी, टू से स्टार्ट हो रहा है, तो टू थ्री फोर फाइव लगातार चार कंसिक्यूटिव, फोर कमॉन फोर जीने के है चार दिन, याद आ रहा है, हाँ फोर, तो लिखा मैंने कितना फोर प्लस, उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन कहां तक जाएंगे, नाइन तक जीरो हो गया। उसके बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, जी हाँ थर्टीन तक जीरो होगा, और आई का पावर सिर्फ बचा फोर्टीन। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का पावर थर्टीन को तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, देख लो आई का पावर थर्टीन को लिखा आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिक्स इंटू मैंने लिखा आई, ठीक है, और प्लस इसको सॉल्व कर लो, तो आई का स्क्वायर यहां पे लिख दो सेवन, बस फोर्टीन हो गया। क्या मैं करूंगा यहां पर, आई का स्क्वायर माइनस वन का पावर सिक्स इंटू मैंने लिखा आई, और माइनस वन का पावर सेवन लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इवन नंबर है, इवन है तो वन होगा, इंटू मैंने लिखा आई, और ऑड है तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आई माइनस वन हो गया, तो वी आर गेटिंग आई माइनस वन। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, आई माइनस वन बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या आप लोग का आंसर भी यही आया है जो मैंने अभी आपको बताया है, जल्दी बताइए, आई माइनस वन शुड बी आंसर। लेकिन इसका लिखने का प्रोसेस अलग हो सकता है, आई को हमेशा सेकेंड पार्ट में लिखते हैं, तो माइनस वन प्लस हमने कितना कर दिया, आई लिख दिया जी, ये लो जी आंसर आ गया माइनस वन प्लस आई। निशांत, हाँ जी सर वही आया है, हाँ जी एकदम वही आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है, एकदम सही आंसर है। हाँ मेरे से पहले आया है, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है, मुझे सिखाना पड़ता है, इसलिए मेरे से पहले आएगा, और हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे निकले, ठीक है, तो मुझे नाज होगा कि आप आगे निकलते हो, वेरी गुड। ऑलराइट, तो चलो एक टेस्ट लेते हैं, अब लगभग मुझे पता चल गया कि यहां तक आप लोग बना पाओगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक और कुछ शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा 45 में छोड़ दूंगा, 845 में मैं छोड़ दूंगा आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, एक और देखते हैं, ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन में से काउंट होता है, एकदम गरम गरम क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए, एकदम तल करके, ब्रेकफास्ट नहीं करना है आज, यही करना है आप लोग को। 4n प्लस 3, देखो एकदम हॉट क्वेश्चन, उसके बाद फिर जितने एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, माइनस अंडर रूट माइनस 1 पूरे का पावर 4n प्लस 3, ध्यान से देख लीजिए। तो पहले मैं बता देता हूं, एक और क्वेश्चन देगा, वहां पे आप लोग टेस्ट लीजिएगा, देखो क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे माइनस वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस आई लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, इसको लिखा जा सकता है माइनस आई, ठीक है, ये पूरा जो है ना आई है, इसके पहले माइनस लगा दिया, और पूरे का पावर 4n प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, 4n प्लस 3। अब क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो माइनस आई पूरे का पावर 4n इंटू माइनस आई पूरे का पावर 3 लिख सकते हैं ना, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, हाँ जी ऐड कर देते हैं, 4n प्लस 3 हो जाता है, देखो माइनस आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 3 मैंने लिखा, ठीक है। एक चीज और देखो, बहुत मजेदार, अब क्या है ना, ये तो पावर इवन है, क्योंकि कोई भी नंबर में 4 मल्टीप्लाई करो तो ये जो पावर हमेशा देखेगा इवन देखेगा, ठीक है, इवन दिखेगा, और माइनस का पावर इवन होता है ना, कोई भी माइनस का पावर इवन लेकर के देख लो ना, 2 ले लो तो भी 1 आएगा, नेगेटिव का पावर इवन ले लो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा आई का पावर 4n बचेगा जी, इतना तो पता चल रहा है। इस इवन के कारण ये नेगेटिव बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, विनाश इसका हो गया, ठीक है, हाँ, और ये बचा, लेकिन देखो ये माइनस है ना, पावर ऑड है, ये जो पावर ऑड है ना, ये तो बचा रह जाएगा, ये माइनस रहेगा बाहर, और आई का पावर 3 लिख दूं।
ठीक है, ये नेगेटिव बाहर रहेगा, आई का पावर 3 लिख दिया। अब क्या करोगे, आई का पावर यहां पर 4 और एन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में अभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इनटू लिखा माइनस रहने दो, और क्या होता है आई का पावर क्यूब, कमेंट करके बताइए आई का पावर क्यूब जल्दी क्या होता है, ये होगा माइनस आई हो गया, माइनस आई हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका वैल्यू क्या रखेंगे, आई का पावर 4। तो मैंने करण से पूछा, उसने बोला सर 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 आई का पावर 4 माइनस वन नहीं, 1 होता है, ये होगा 1। ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, 1 और पूरे का पावर हो गया n, ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो इनटू हो गया i हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का पावर कुछ भी कर दो तो 1 आएगा, इनटू i, नेट आंसर कितना होना चाहिए, i होना चाहिए। ठीक है, नेट आंसर एक बार देख लेते हैं, क्या सच में आई आ रहा है, एक बार देख लो, यस 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 आई आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत है तो बताओ, अगर समझ में आ गया तो यस करके टाइप करें, इस बार थोड़ा लेट हो गया, हाँ कोई बात नहीं है, कभी खुशी कभी गम, कभी मैं आगे कभी आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमेशा आगे रहे हमसे, आप आगे रहोगे तभी हम जीत जाएंगे। ठीक है, और किसने कहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही होता है, कभी कभी छोड़ना भी प्यार ही कहलाता है। ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो एक टेस्ट हम लोग लिख लेते हैं, लिखो जी, ये टेस्ट टाइमिंग दे रहे हैं, बस अब खत्म करते हैं, चलो देखते हैं कौन बना के दिखाता है। आई का पावर 18, यहां दिख रहा है आई का पावर 18 प्लस 1 बाई आई, इस पूरे का पावर 24 और पूरे का पावर हो गया ये 3। ठीक है, आराम से देख लो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। हाँ चलो 2 मिनट टाइम में दे देता हूँ, इसके बाद तुरंत अकाउंट क्लास स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चे रुक जाएंगे जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि पहले बताया था कि अगर मैं क्लास 11th में होता और मुझे थोड़ा भी पढ़ने का मौका मिलता, भले मैं दूसरी जगह पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता तो ज़रूर मैं सीखता। तो अभी जस्ट 9 बजे से अकाउंट क्लास स्टार्ट होने वाला है, मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार क्लास आपको मिलेगा वहाँ पर, और इकोनॉमिक्स क्लास उससे भी ज़्यादा मज़ेदार मिलेगा। ठीक है, सारे टीचर बारूद है इसलिए बने रहिएगा। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 15 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाइए पेपर पेन लेकर के। चलो 2 मिनट का टाइम, अच्छा पहले इसको बना लो, शैल वी फिर से हम रिपीट कर देंगे, पहले इसको बना लो जल्दी से। फास्ट हो गया, बन गया निशांत, वेरी गुड। चलो आंसर बताओ, टाइप करके कमेंट में बताइए आंसर, बताइए मुझे निशांत बन गया आपका, तो जिनका बन गया है प्लीज कमेंट में आंसर करें। कमेंट करें आंसर, ऑल राइट right, किनका आ गया 0 आ गया, मान्या का 0 आ रहा है, वाओ वाओ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और किन्हीं का बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बहुत समय है, अभी भी 15 सेकंड है आपके पास,
चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, आयोटा क्या होता है, यूलर मैथमेटिशियन ने इसको कंसेप्ट दिया था, इमेजिनरी यूनिट इसी को कहते हैं, एक हमने ट्रिक पढ़ा कि आई का लगातार अगर कंसेक्यूटिव पावर 4 मिल जाए सम के फॉर्म में रहा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कुछ हम लोग क्वेश्चंस किए हैं और अगला क्लास एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे बनाना। पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जितने टफ क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे और आरडी शर्मा का जितने टफ क्वेश्चन है वो सब खत्म कर लेंगे। हम लोग पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। और सुन लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, कुछ ना कुछ करके जरूर जाइए आप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।